असलकम क्या हाल है आई होप सब ठीक ठाक होंगे आज के इस वीडियो में चिकन दम बिरयानी पूरी तरह से डिटेल रेसिपी और चावल उबालूंगी कैसे और चिकन कैसे पकाऊंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिरिस्ता कैसे बना रही हूँ ये सारा डिटेल में वीडियो में देखेंगे चलिए वीडियो शुरू हो गया है ये लगभग दस से साढ़े दस नहीं जी साढ़े नौ बजे की क्लिप है वॉकिंग करके आई हूँ आते आते जो बाज़ार ज़रूरी था वो लाई हूँ एक्चुअली ककड़ी गाजर वग़ैरह ख़त्म होने नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी डाइट करना चाह रही हूँ शुरू करी हूँ परफेक्ट जाने तक तो मुझे आठ दस दिन लग ही जाएंगे चलिए मेरी वाली चाय बना ली हूँ सिप लेकर देखी परफेक्ट गर्म है और इधर बाहर पीने के लिए आ गई हूँ और आप सब लोगों को भी बुला रही हूँ देखिए फीकी फीकी चाय पीने के लिए मैंने अभी तक आप सब लोगों के कमेंट के आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि यूसुफ़ बोला है अम्मी मैं सब आंटियों के दीदियों के पहले कमेंट पढूंगा फिर आप आंसर देना अम्मी बोलकर तो इसलिए वो आज दोपहर को पढ़ लेगा तो फिर मैं उसके बाद आपके आंसर दूँगी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें चलिए मैंने क्या नज़ारा देखा वो आप भी देख लीजिए गाय खाना खा रही है सब लोग खामोश हैं घर बांध रहे हैं ये नज़ारा मैं चाय पीते हुए देखी थी चलिए इधर अंदर आ गई हूँ कल जो कपड़े धोकर सुखा कर लाई थी शाम तक जो काम 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 करी थी ना आज उसका सब सही से करना है ये बैग में अगर दूंगी ना तो जहीन को अच्छा रहेगा जल्दी से पहचान लेगा बाकी बैग वगैरह है ना प्रेस के कपड़ों के लिए थोड़ा सा पहचानने में नहीं आते हैं आधे कपड़े दूंगी प्रेस करके ला लेगा फिर उसके बाद दूसरे कपड़े दूंगी उसको प्रेस करने के लिए मतलब शाम तक दस कपड़े तो आराम से हो जाएंगे ना तो चलिए बीच बीच में है ना मैं रुक रही हूँ वाइस ओवर करते समय क्योंकि यहाँ सामने घर बांध रहे हैं तो आज से शायद तीन या चार दिन तक उनकी ड्रिल मशीन ज़्यादा चलेगी तो फिर मैं शाम तक भी रास्ता देखूँ तो यही हाल रहेगा तो चलिए शुक्र अलहमदिल्ला बीच में पाँच एक मिनट मिल रहे हैं तो उतना बोल रही हूँ फिर उनका काम होने तक रुक रही हूँ उसके कॉलेज के ड्रेस वगैरह डालकर प्रेस की थैली कंप्लीट कर दी अब वो लेकर जाएगा चलिए ये कल रात के क्लिप हैं दम बिरयानी बनाते हैं चिकन दम बिरयानी बासमती लंबे चावल के साथ ये जो मैं ग्लास बताई हूँ आपको ये मेरे लिए परफेक्ट मेज़रमेंट है आधा किलो चावल है धो कर से 25 मिनट तक भिगो लूँगी चलिए आधा किलो ही चिकन लिया है डेढ़ चम्मच नमक लगाया है दो से तीन चम्मच दही आधा नींबू लगा इसको दो से चार घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे ठंडी है तो किचन काउंटर पर रख सकते हैं गर्मी के दिन हैं तो फ्रिज में नीचे बाजू नॉट फ्रिज में हाँ फ्रीजर में फ्रिज में रख सकते हैं और पहले रात को करके भी फ्रीज़र में रख देना तो भी बहुत चिकन सॉफ्ट बटरी बटरी होता है और ये जो दही है ना ये घर में लगाया हुआ दही है देसी दही है ना वो वाला अब पैकेट वाला दही लगाएंगे तो इसमें सही से टेस्ट नहीं आता है वैसे तो मैं बहुत चीज़ों में दही नहीं डालती हूँ आप सब लोगों को पता है पर कुछ शाही चीज़ें हैं उसमें कौन सा दही डालने के बाद परफेक्ट बनता है वो आपको बता रही हूँ चलिए बिरिस्ता के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अच्छा नहीं बनता है मैंने तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से सुना है मेरे हाथ से बिरिस्ता अच्छा नहीं बनता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं किचन की कुकिंग सारी बहुत अच्छी कर लेती हूँ मैं प्याज़ बताइए आपको किसी भी स्लाइसर से एक जैसा रख कर आप कट कर लीजिए दो से चार घंटे पहले तक तो उसका पानी भी सूख जाएगा माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और हमें की तरह हमारी जो बातें होती हैं आगे चली गई और रेसिपी पीछे रह गई दो रुपये वाला एक पैकेट चिकन मसाला डाला है मैंने मतलब एक चम्मच बड़ा भर के एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर क्योंकि मसाला पहले से डाला हुआ है ना और ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दो छोटे टमाटर थोड़ा सा हरा धनिया एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाली है चलिए इधर पानी उबल रहा रहा है उसमें चावल डाल दिए नमक डाला है पानी इतन, नमक इतना है कि पानी साल्टी साल्टी लगे मतलब थोड़ा खारा खारा तभी चावल इसमें परफेक्ट पकते हैं चलिए दूसरे साइड बिरिस्ता के लिए तेल गरम रखा है इधर गरम मसाले डाल रही हूँ दो से तीन इलायची डाली दो इंच की दालचीनी के टुकड़े डाले एक बड़ी इलायची एक करण फूल तीन चार तेज पत्ते एक छोटा निवाला शाजीरा और सात आठ लवंग और एक छोटा वाला काली मिर्च डालकर उबलने के लिए रख दी हूँ और ये चिकन मैरिनेशन में काली मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी जो बिरयानी की जान है वो आधा चम्मच डालकर मिक्स कर ली और इधर देखिए चावल अच्छे से उबल गए हैं थोड़ा सा बीच में गैस का फ्लेम कम करूँगी क्योंकि चावल अंदर से अच्छे सॉफ्ट के आना चाहिए <laughs> मेरे बोलने के अंदाज़ पर आप समझ जाइए कि चावल को कितने मुलायम होना चाहिए उसके बाद दो तीन हरी मिर्च तोड़कर डाल दी थोड़ा सा हरा धनिया तोड़कर डाल दी उधर तेल गरम हो गया था प्याज डालकर गैस का हाई फ्लेम रखा है यहाँ दोनों का भी प्याज डालकर उसको फ्राई होने के लिए छोड़ दी और इधर आपने देखा चावल दूध की तरह उबल रहे थे पूरी तरह से वैसे उबलने लगे तो बस एक या दो मिनट उबलने दें उसका पानी निकाल कर फेंक दें ये देखिए चावल कितने परफेक्ट उबल गए हैं ना चलिए उधर का काम हो गया अब इधर से एक सेकंड के लिए भी निगाह इधर उधर नहीं करेंगे गलती से इधर उधर देखेंगे तो साइड की प्याज जल जाएगी बीच की प्याज सही बनेगी और चम्मच इस तरह से हिलाते ही रहेंगे गैस का फ्लेम अभी भी हाई ही है अगर आपको मैनेज ना हो तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं गैस का फ्लेम और ये देखिए थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी हो जाता है ना तभी निकाल लेना चाहिए पूरा परफेक्ट कलर आने के बाद निकालेंगे तब गरम गरम में प्याज प्लेट में भी कलर बदलती है थोड़ा सा गुलाबी में निकाल लेंगे ना तो ख़ुद की गर्मी से जो पक जाएगी तो परफेक्ट कलर आएगा देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा प्याज फ्राई करी हूँ मैं और ये बचा हुआ थोड़ा सा तेल चावल में डालना है मुझे प्याज का फ्राई किया हुआ तेल डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावल में और उधर दूसरा कुकर चढ़ा मैं तेल डाल दी हूँ क्योंकि चिकन का तड़का लगाना है थोड़ी सी प्याज रखी थी वो डाल दी प्याज को अच्छे से तड़के में ला लेंगे मतलब पका लेंगे तब तक, तक इधर चावल को आराम से ऊपर नीचे करेंगे क्योंकि तेल मिक्स होना चाहिए और इधर देखिए प्याज का रंग ऐसे हुआ है मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई थी एक चम्मच कसूरी मेथी एक चम्मच ज़ीरा डालकर तड़का बना लिया ये देखिए प्याज का सुपर कलर है ना परफेक्ट वाली बिरिस्ता इसको तो टेन ऑन टेन देना चाहिए ना चलिए जल्दी से इसी बात पर लाइक कर दीजिए हाँ। चलिए इधर तड़का बन गया है अभी चिकन पूरा मिक्स करके डाल देंगे और ये बार बार हिलाएंगे नहीं चिकन को पूरा फैला के हाई फ्लेम पर पाँच से छः मिनट पकाएंगे तो इसका पूरा पानी सूख जाएगा देखिए इस तरह से फैला कर अब इसको मिक्स करेंगे ना बस दो मिनट में पूरा ही पानी सूख जाएगा जिसकी वजह से चिकन अंदर से बहुत अच्छा पक कर आएगा ये देखिए हो गया परफेक्ट हाँ ऊपर से चार एक हरी मिर्च डाल दी है तोड़ कर फीकी फीकी है हाँ इसलिए ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही हूँ मिक्स करने के बाद आप देखिए पानी सूख गया है तेल तेल दिख रहा है ना अब इसको ढक्कन लगा देंगे कुकर का हाई फ्लेम पर एक सीटी ले लेंगे और कम फ्लेम पर पंद्रह मिनट तक इसको पकने देंगे सुकून से क्योंकि चिकन अंदर से सॉफ्ट और जूसी रखना चाहिए चलिए मेरा तो दही पतला पतला है तो वैसा ही रायता बना लेते हैं रायते में मैंने खूब सारा पुदीना एक हरी मिर्च डालकर दही में मिक्स कर लिया है आधा चम्मच नमक भी डाला है गाजर ककड़ी टमाटर प्याज मैंने गाजर और ककड़ी को खिंचा है नहीं तो मुंह में आएंगे ना सकत सकत लगेंगे और दांतों को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी कुटरूम कुटरूम खाते बैठना पड़ेगा चलिए मिक्स कर लिया आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर उसको कम्प्लीट करके साइड कर लिया इधर थर लगाते हैं चावल की आधा किलो चावल ही पकाए थे रात में दोबारा दूसरे चावल पकाना पड़े थे मुझे चलिए जहीन को आलू बहुत पसंद है बिरयानी में वैसे मैं आलू नहीं डालती हूँ नीचे आलू का थर लगा दिया और ऊपर से आधे चावल लगा रही हूँ आधे से थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ उसके ऊपर से टमाटर की भी एक लेयर लगा रही हूँ काफ़ी जूसी टमाटर लगते हैं खाने में और इतने मसाले वाली बिरयानी पादरी साहब होते तो मैं नहीं बनाती क्योंकि उनका मूड ख़राब हो जाता है बोलते हैं मुझे तो एक हेल्पर भी लगाना पड़ेगा इसमें का सामान निकालने के लिए बनकर चलिए टमाटर के ऊपर से पुदीना डाल दिया हरा धनिया डाल दिया बिरिस्ता डाल दिया मतलब फ्राई की हुई प्याज उसके बाद ये देखिए चिकन डालना है चिकन को ओपन किया माशाल्लाह कितना अच्छा गला है ना बहुत परफेक्ट और बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी मैं आपको ज़रूर बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इतनी अच्छी बनी थी कि क्या बोलूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको मुझे रात में दोबारा दूसरे चावल बनाने पड़े आज मैं काम करके बहुत थक गई थी तो इसलिए रात में दूसरे चावल बनाते समय मैंने कैमरा नहीं लगाया सुबह नाश्ते के लिए थोड़े रह जाएँ और जहन रात को खाने वाला था वो दो तीन बजे तक पढ़ाई करता है ना तो रात में उठ खाता है वो तो इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा था चिकन की पूरी एक लेयर लगा दी ऊपर से चावल डाल दिए बिरिस्ता डाल दिया और इस बार कलर डालना भूल गई वापिस से ओपन किया प्याज को सरकाया रेड ऑरेंज कलर डाल रही हूँ केसरी कलर नहीं पात्री साहब होते तो केसरी कलर डालती थी कुछ चीज़ें होती हैं घर के लोगों की वजह से भी कुकिंग में चेंजेस करना पड़ता है चलिए ये डाल कर इसको दम करेंगे कुकर को सीटी नहीं लगाएंगे सीटी लगाएंगे तो चावल का कलर चेंज हो जाएगा और क्या बोलते हैं ओवर कुक हो जाएंगे चावल वैसे ही मैंने यूसुफ़ के लिए है ना थोड़े से चावल सॉफ्ट ही बनाए हैं क्योंकि उसे लंबे चावल बिल्कुल पसंद नहीं हैं चलिए उसको ढक्कन लगाकर दस मिनट तक टाइम था मेरे पास रेस्ट करूँगी तो फिर भी सारा काम फैला पड़ेगा बोलकर मैंने झाड़ू भी लगा दिया और बर्तन भी धो लिए और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितनी कलरफुल आलू तो सुपर गल के निकले थे पर जहीन को गले हुए नहीं लगे उसको और भी सॉफ़्ट होने के शायद आलू निकालते निकालते टूट रहे हैं और बिरयानी का कलर तो देखिए चावल का साइज़ तो देखिए चिकन पर मसाला तो देखिए माशाल्लाह एक परफेक्ट रेसिपी है ना चलिए रायता भी थोड़ा सा ले लेते हैं और वैसे तो जहीन को रायता पसंद नहीं है कोई भी दही की चीज़ नहीं खाता है वो बस दही में छाछ और चीनी डालकर कभी कभार खाता है उसका मूड अच्छा लगे ये देखिए फ़ाइनल लुक माशाल्लाह मुंह में पानी आया ना तो आलू डाल के बनाएंगे हम माशाल्लाह क्योंकि वॉइस वर्क करते करते मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है ये देखिए चावल को कितना मिक्स करके खा रहा है और बहुत तारीफ कर रहा था हाँ। <laughs> 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 बहुत बढ़िया बनी है मेरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी बनी है और करनी पड़ती है आए निकाल तो तुझे आलू पसंद ना हम लोगों को बिरयानी में आलू, आलू पसंद, पसंद आलू है आलू बराबर थोड़े कम बॉईल हुए आलू कम हुई फूट गई ना वो अपने आप फूटेंगे लेकिन वो हार्ड ही थोड़े हार्ड है ओके वो तो आलू की खुद की ज्यादा सी होगी शायद जीवन में रायता फैलाने के बाद रायता खाता हूं मैं <laughs> रायता तो फैलाए पक्का रायता फैलाए तू पात्री साहब भी उनके पसंद का खाना मिलने के बाद पहले खुशबू लेते हैं फिर खाते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं nice. right <laughs> वैसे दही तुझे पसंद नहीं है ना? Hmm. देखिए उसे देखना है मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो मेरा हाथ बड़ा है कि तुम्हारा हाथ बड़ा है अम्मी बोलकर मैं बोली तेरा हाथ बहुत बड़ा है फिर आप काम इतने कैसा क्या फास्ट करते अम्मी बोलकर देख रहा है वो चलिए ये मेरा प्लेट है और ये दोनों भाई खाने बैठे हैं उसकी प्लेट से आलू निकाल लिया देखिए वो भाई ढूंढ रहा है इसमें होंगे ना अम्मी भाईजान को दो बोल रहा है वो और ये है ना लंबे चावल देखते ही ज़रा सा मुंह ख़राब कर लेता है चलिए सॉफ्ट बने हैं तो खा लेगा पेट भर के ये देखिए चिकन माशाल्लाह कितना परफेक्ट गला है ना सॉफ्ट भी है जूसी भी दिख रहा है ना ले लीजिए आप भी निवाला जल्दी से आ करिए गया क्या मुँह में अच्छे से बिल्कुल गया ये दाने खिले खिले चलिए इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ मिलती हूँ अगली वीडियो में अपना खूब ख्याल रखें दुआओं में मुझे भी याद रखें अल्लाह हाफिज़